हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना है, वो अकाउंट पब्लिक अकाउंट है, प्रोफेशनल या फिर आपका बिजनेस अकाउंट है, उसको आप प्राइवेट अकाउंट बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो वाली आप तक पहुँच सकें। चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने मुझसे के बाद वादा कुछ कर। ऐसे दिखाई देगा, उसके बाद आपने नीचे कॉर्नर पे आपकी प्रोफाइल होगी, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आपको तीन लाइन नज़र आ रही होंगी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसमें चेंज करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है लास्ट पे, ठीक है, नीचे, ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आपका अकाउंट पहले से पर्सनल अकाउंट है तो फिर इस तरह से आपको दिखाई देगा, स्विच टू प्रोफेशनल या फिर ऐड इन प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। आपका ऑलरेडी जो है इस तरह से पर्सनल अकाउंट होगा, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर बिजनेस है या कुछ भी है तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल अकाउंट, आपने चेंज कर लेना है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। वो करने के बाद आपने क्या होना है, बैक कर देना। इस तरह से ये सेटिंग आपने करने के बाद अकाउंट टाइप की आपने बैक आना है यहाँ पे, ठीक है। इधर से ही आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पब्लिक अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आपको फॉलो करता है डायरेक्ट, तो वो जो भी आपने वीडियो लगाई है, पिक्चर लगाई है, देख सकता है। अगर आपने अकाउंट प्राइवेट किया होता है, जिसको आप एक्सेप्ट, जिसकी रिक्वेस्ट नहीं करते, तब तक वो आपका कुछ भी जो भी आपने अपलोड किया है वो नहीं देख सकता, ना फिर आपको मैसेज कर सकता है, वो भी आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपसे चैट कर सकते हैं, या फिर आप आपकी वीडियो या पिक्चर जो भी आपने अपलोड किया देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके बाद अकाउंट प्राइवेसी पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्राइवेट अकाउंट के आगे, ये सेटिंग होती है, इसको आपने ऑन करनी होती है, ठीक है। इसको इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्विच टू प्राइवेट, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका अकाउंट जो है प्राइवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पर मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।